दोस्तों, दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों की खोज और थ्योरी तब काम नहीं आती है जब कुदरत अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर देता है और इन अनोखी प्राकृतिक घटनाओं के पीछे का कारण जानने के लिए साइंटिस्ट का भी सर चकरा जाता है। लेकिन फिर भी कुदरत के कुछ अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने में इंसान नाकाम हो जाते हैं। कैमरे में कैद ऐसी ही कुदरती घटनाएं जो कर देती हैं सभी को हैरान, और उनके पीछे होने वाले कारण के बारे में आज बताने की कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुदरती रहस्यमय घटनाओं के बारे में। दोस्तों, जरा सोचिए कि आप बाहर टहलने निकले हों और अगर आसमान से खून की बारिश होना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा, आपके भी होश उड़ जाएंगे ना। ऐसा ही कुछ हुआ साल 1896 में केरल में रहने वाले लोगों के साथ में, जब राज्य में पहली बार ऐसी बारिश हुई थी जिसका पानी ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि लाल रंग का था। इसके बाद साल 2001 में फिर से केरल में वैसी ही बारिश हुई थी और इसे ब्लड रेन और रेड रेन का नाम दिया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों और गवर्नमेंट एजेंसी ने इस पर काफी रिसर्च किया और इस बात का खुलासा किया कि उस इलाके में ग्रीन एलजी के कुछ छोटे छोटे कण हवा में उड़ते हैं और जब बारिश होती है तो वह इन पार्टिकल्स के संपर्क में आकर लाल रंग का पानी हो जाता है और आखिरी बार 2012 में रेड लेन बारिश होते हुए देखी गई थी। अब लगे हाथ तंजिया के इस खूबसूरत तालाब को भी देख लीजिए जिसका पानी ब्लू नहीं बल्कि रेड कलर का है। जी हाँ, लेट लेग स्ट्रोल के नाम से जाने जाना वाला यह तालाब 57 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तालाब में सोडियम और मिनरल्स का लेवल ज्यादा है जिसकी वजह से पानी में हेलोकिया नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसके कारण पानी लाल दिखाई देता है। इसके अलावा तालाब की ज्वालामुखी लोकानिक एक्टिविटी भी पानी का रंग लाल होने का कारण है। साथियों, अमेरिका के विलेज शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर समंदर में द ग्रेट ब्लू होल के नाम का एक सिंक होल मौजूद है और आपको हैरानी होगी कि रिसर्च का मानना है कि समंदर के बीचों बीच में बना यह गड्ढा करीब 15 साल पहले बना था। अब आप यह सोच रहे होंगे कि समंदर के बीचों बीच में इतना बड़ा गड्ढा बना कैसे होगा, तो बता दें वैज्ञानिकों के मुताबिक जब समंदर का स्तर नीचे होता था तब सिंक होल मौजूद नहीं था। जैसे जैसे समंदर का स्तर ऊपर आता गया द ग्रेट ब्लू होल बनता गया और आज यह सिंक होल काफी गहरा बन चुका है। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर आपके घर के पास रखी बड़ी बड़ी चट्टानें अपने आप चलने लगे, नहीं जी नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि कैलिफोर्निया के डेथ फॉलिंग नेशनल पार्क में ऐसे पत्थर पाए गए हैं जो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इन पत्थरों को सबसे पहले 1900 में डिजर्व किया गया था और सिलिंग सोन नाम दिया गया। उस वक्त लोगों का मानना था कि यह पत्थर हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन उस थ्योरी के साथ जुड़ी दुविधा यह थी कि कोई 10 से 20 ग्राम के पत्थर नहीं बल्कि कई किलो के वजन पत्थर थे। इसीलिए इन पत्थरों की मूवमेंट करीब 100 सालों तक मिस्ट्री बनी रही थी। इसके बाद साल 2014 में वैज्ञानिकों ने टाइम लिप्स वीडियो बनाकर इसके पीछे की वजह ढूंढ निकाली। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जमीन पर पतले से आइस सेट की मोमेंट्स के साथ एक सीलिंग स्टोन भी मूव करती है। दोस्तों, कभी ना कभी आपने छोटे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने की कोशिश तो जरूर की होगी।
इसके लिए काफी बैलेंस की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपको पता है, इस दुनिया में कई जगहों पर कुदरती रूप से पत्थर की चोटी के ऊपर पत्थर भी खड़े हैं, जिन्हें ब्रिज लेसी बैलेंस रॉक्स कहा जाता है। जैसे कि फोलोराडी फ्रिक्स में 290 मिलियन साल पुराने रेड टेल्स स्टोन की बड़ी सी चट्टान एक पतली सी पहाड़ी के ऊपर खड़ी दिखाई देती है। वहीं फिनलैंड के रुकोक कुलाटी में 7 मीटर लंबा पत्थर दूसरे पत्थर के जरिए से सरफेस कंटेंट से कई सालों से खड़ा हुआ है, और इस पत्थर को कुमा कीवी कहा जाता है। और यूटुआ के क्लोबिस विलिंग पार्क में होडिस नाम से जाने जाने वाला मशरूम की आकार का पत्थर कई मीटर लंबे चट्टानों पर बैलेंस बनाकर खड़े हुए हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में इरोजा होने या फिर खतरनाक भूकंप आने से ब्रोकरेसर रॉक्स बैलेंस गिर के बिखर सकते हैं। दोस्तों, अब इस सुक्राटा ड्रैगन ट्री को देखिए। छतरी जैसा दिखने वाले इस अनोखे पेड़ में से ड्रक रेड रीजन मिलती है, जिसे ड्रैगन रेड ब्लड भी कहा जाता है, और इस इलाके के लोग वाकई में इसे ड्रैगन रेड ब्लड ही मानते हैं और इसका इस्तेमाल रिचुअल मैजिक में करते हैं। लेकिन इस ब्लड की सबसे खास बात यह है कि इसका रेड ब्लड का इस्तेमाल डाई ब्रेड फ्लेस्टाइल और लिपस्टिक जैसी कई चीजें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इस रेड रीजल का इस्तेमाल घाव पर मलहम के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। वाकई में छतरी जैसा दिखने वाला पेड़ कितना शानदार है। दोस्तों, जिस कुदरत ने हम सभी को बनाया है, उसके इन्वेंट्स भी कितने कमाल के होंगे, सही है ना। और ऐसा ही एक इन्वेंट्स है, मार्बल किल्स, यानी कि मार्बल से बनी गुफाएं। यह गुफाएं पेंटूकोनिया में स्थित हैं, और वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी गुफाएं यहाँ की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। पिछले 6 सेंचुरी में पेंटूकोनिया में समंदर की बड़ी बड़ी लहरें मार्बल की बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराती रही हैं, और पानी में सदियों से घर्षण होने के बाद यह मार्बल किल्स बनती है। इन मार्बल्स की सुंदर और पतली दीवालें और इन दीवालों पर खड़ी खड़ी चट्टानें इन सफेद गुफाओं को काफी सुंदर बनाती हैं, और इन गुफाओं में से पानी बहता है तो नजारा काफी देखने लायक होता है। दोस्तों, मेडागास्कर को दुनिया का सबसे असमंजस जगह माना जाता है, क्योंकि इस आइलैंड पर अनगिनत और अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं जो मेडागास्कर के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। हालांकि इस आइलैंड पर एक और खास बात है, और वह है द स्टोन फॉरसेट। जी हाँ, इस स्थान में पेड़ से भी ज्यादा ऊंचे स्टोन के स्ट्रक्चर हैं, जो कि किसी इंसान ने नहीं बल्कि कुदरत ने बनाया है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादा स्ट्रक्चर्स लाइन स्टोन से सिल्वर रॉक्स में से बने हुए हैं, और हजारों सालों से बड़े बड़े पत्थरों में बहते हुए पानी ने इन्हें ऐसा आकार दिया है। पेड़ों की तरह दिखने वाले इन नुकीले पहाड़ों को ऊपर से जब देखा जाता है तो किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रीन से कम नहीं लगते, और द स्टोन फॉरसेट की ऊंचाई करीब 230 फीट है। दोस्तों, आपने पहाड़ तो बहुत देखे होंगे, लेकिन अब हम जो कुदरत की रचना दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। नॉर्वे में स्थित यह पर्वत श्रृंखला पल्पित रॉक के नाम से जाना जाता है, और इसकी रचना आइस एज की आखिरी स्टेज में हुई थी। पल्पित रॉक की ऊंचाई समंदर से 604 मीटर है, और इतने ऊंचे पर्वत के ऊपर आसपास की अनोखी चट्टानें और नीचे गहरा समंदर का पानी और आसमान के घने बादलों के बीच में खड़े रहकर ठंडी ठंडी हवा में जो आनंद मिलता है, उसे एंजॉय करने के लिए हर साल लाखों लोग पल्पित रॉक घूमने के लिए आते हैं। साथियों, अगर हम आपसे कहें कि पृथ्वी पर ही मंगल ग्रह मौजूद है तो आपको यकीन नहीं होगा ना। इसीलिए आप खुद ही देखिए, वीडियो में दिख रहे रेगिस्तान का नाम वादी रम है। इस रेगिस्तान की लाल मिट्टी और पहाड़ अनोखे आकार की चट्टानें इसे रेड प्लेन जैसा लुक देते हैं। इसीलिए अगर आप मंगल ग्रह पर
कोई पिक्चर बनाना चाहते हैं तो वहां जाकर बना लो, क्योंकि वदीरम पर शूट किए गए वीडियो में तुम्हें VFX की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, इस रेगिस्तान में कोई नहीं रहता, हालांकि कुछ स्थानीय ट्राइब्स यहाँ से आते जाते रहते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ ऊंट पर बैठकर खो गए तो आपकी ऐसी हालत हो जाएगी जैसे तारक मेहता के उल्टा चश्मा में मेहता लाल की होती है। आइए अब हम आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह दिखाते हैं। चाइना के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड इस जगह का नाम है जहांगी नेशनल पार्क। जहांगी नेशनल पार्क 1204 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस पार्क को सबसे खूबसूरत बनाते हैं इसके पहाड़। जी हाँ, इसके पहाड़ों का रंग काला या लाल नहीं, बल्कि यहाँ के पत्थर काफी कलरफुल हैं। इन पहाड़ों को देखकर अगर आपको लगता हो कि इन पत्थरों को पेंट किया हुआ है तो बता दें कि यह कुदरत का करिश्मा है, और हजारों सालों से सन स्टोन की वजह से इस इलाके में मिलन्स ने उड़कर एक दूसरे के ऊपर लेंस बनाए हैं, जिसकी वजह से ये काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं।